दिया करो। मैं वैभव सिंह, तो नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हम सभी के चैनल पे जिसका नाम है द गुरुकुल। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीखा था, आज हम फिर से लेकर आए हैं एक तड़कती भड़कती सी ट्रिक जिसमें हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ना ना ना, लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले वाली कंडीशन तो पता ही होगी, आपको सब्सक्राइब करना है। तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। शुरू करते हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। अब ट्रिक शुरू करने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यहां पर यूनिक डिजिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सपोजिंगली अगर हमने यहां पर एक नंबर लिखा है 54 और इसका अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो 54 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट हमें देखते से ही पता चल जाती है। यहां पे यूनिट डिजिट है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 की यूनिट डिजिट होती है 6, तो इस नंबर के स्क्वायर की भी यूनिट डिजिट 6 ही होगी। या फिर अगर मुझे 36 का स्क्वायर निकालना होता तो यहां पर यूनिट डिजिट है 6, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 की यूनिट डिजिट है 6, इसीलिए इसके स्क्वायर की भी यूनिट डिजिट 6 ही होगी। क्लियर है? और दूसरे तरीके से देखते हैं, अगर मुझे 52 का स्क्वायर निकालना होता तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 यहां पे यूनिट डिजिट होगी। और अगर 78 का स्क्वायर निकालना है तो 8 का स्क्वायर होता है 64, यहां पर आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हमें किसी भी नंबर को देखते से ही उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट मिल जाती है। सेम कॉन्सेप्ट हमारा स्क्वायर रूट में भी लगता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। तो आइए स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट देखते हैं, लेकिन उसके पहले 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो यहां पर हमने 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर लिख दिए हैं। अब ध्यान रखिएगा कि अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है तो उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट में 6 आएगा, या फिर अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट में 9 आ रहा है तो उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट में 1 आएगा। क्लियर है? लेकिन क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालनी है तो ये हमारे नंबर्स होंगे और हमें इसके बेसिस पे स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट निकालनी होगी। तो यहां पर इसको मैं हमारा नंबर कंसिडर करूंगा और इसको मैं हमारी स्क्वायर रूट कंसिडर करूंगा। ठीक है? तो हमें ध्यान देना है इन नंबर्स पे। क्लियर? अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कैसे होता है वो भी समझ लीजिए। जैसे कि अगर मेरे नंबर की यूनिट डिजिट में 1 है तो मेरे स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट में 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर 81 की यूनिट डिजिट में भी 1 आता है। सेम वे अगर मेरे नंबर की यूनिट डिजिट में 4 है तो मेरे स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट में 2 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। सिमिलरली अगर यूनिट डिजिट में 9 है तो 3 आ सकता है या फिर 7 भी आ सकता है। तो अब हम सीखेंगे इस कंफ्यूजन को रिजॉल्व कैसे करते हैं। तो यहां पर मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूं। तो यहां पर सबसे पहला नंबर है 576, ये है 3 डिजिट नंबर, फिर हमने 4 डिजिट नंबर लिया है, फिर हमने 5 डिजिट नंबर भी लिया है। सबके स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है? तो पहले नंबर में सबसे पहली स्टेप जो हमारी होती है वो होती है राइट साइड से पेयर बनाना। मतलब आप राइट साइड से 2 नंबर की पेयर बना लीजिए, उसके बाद बचा वाला नंबर हमारी दूसरी पेयर कहलाएगी। क्लियर है? तो यहां पर 76 जो मेरी पहली पेयर है वहां से मुझे मेरे स्क्वायर रूट की पहली डिजिट मिलेगी। तो यहां पर मेरा स्क्वायर रूट 2 डिजिट में आने वाला है। ये जो पहली डिजिट है वो मुझे 76 से मिलेगी। अब जैसे कि मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया था यूनिट डिजिट वाला, उसमें मैंने बताया था अगर हमारे नंबर की यूनिट डिजिट 6 है, ये हमारे नंबर है, अगर हमारे नंबर की यूनिट डिजिट 6 है तो 6 कहां 2 केसेस में मिल रहा है मुझे, तो मेरे स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट या तो 4 होगी या तो 6 होगी। तो या तो 4 होगी या 6 होगी। क्लियर है? अब ये जो दूसरी डिजिट है वो मुझे दूसरे पेयर से मिलेगी। अब इस स्टेप को ध्यान से समझना।
ये जो मेरा दूसरा नंबर है उससे जस्ट पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। इनके बीच वाले मतलब 1 और 4 के बीच में 2 और 3 आता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 और 9 के बीच में 5 6 7 8 आता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। तो 5 से जस्ट पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर है 4। अब 4 की रूट होती है 2, तो यहां पर जो दूसरी डिजिट है वो होगी 2। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मेरी स्क्वायर रूट 24 है या 26 है, तो उसके लिए हमें हमारी लास्ट स्टेप अप्लाई करनी है। इसे भी ध्यान से देखना, जो नंबर 2 है इसको मैं इसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई करूंगा। सक्सेसर मतलब इसके बाद वाला नंबर। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा, मुझे मिला 6। अब मुझे चेक करना है कि क्या मेरा नंबर इससे छोटा है या मेरा नंबर इससे बड़ा है। 5 6 से छोटा है तो छोटा वाला नंबर मेरा आंसर होगा। अगर मेरा नंबर 6 से बड़ा होता तो बड़ा वाला नंबर मेरा आंसर होता। तो सिंपल सी 3 स्टेप हमने फॉलो करी हैं। उन स्टेप को फॉलो करके हम किसी भी नंबर की स्क्वायर रूट सेकंड में निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो वही स्टेप, पहली स्टेप में हमने राइट साइड से पेयर्स बनाना चालू करी थी। ये मेरी पहली पेयर है और दिस इज माय सेकंड पेयर। पहली पेयर से मुझे पहली यूनिट डिजिट मिल जाती है। तो 41 मतलब, अब यहां पर देख लो 1 मेरा कहां कहां आ रहा है, तो स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट या तो 1 होगी या तो 9 होगी। तो यहां पर मैंने 9 लिख दिया या फिर 1 लिख दिया। अब हम निकालेंगे हमारी दूसरी डिजिट। तो दूसरी डिजिट जैसे कि हमने पहले देखा था दूसरी पेयर से मिलती है, तो अब हम चेक करेंगे कि 50 से जस्ट पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या है। तो 50 से जस्ट पहले आता है 49। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। अब हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके सक्सेसर से, तो हमें मिल गया 56। अब हम चेक करेंगे हमारा नंबर 56 से छोटा है या बड़ा है। क्योंकि 56 से छोटा है तो छोटा वाला नंबर हमारा आंसर होगा और 71 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5041। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2 डिजिट है, वो भी कर ही लेते हैं। तो यहां पर भी यूनिट डिजिट हमें 1 मिली है। तो 1 के केस में जैसे हमने यहां देखा, या तो हमें 9 मिलेगा या तो हमें 1 मिलेगा, राइट। अब ये जो दूसरी पेयर है इससे हमें दूसरी डिजिट मिल जाती है। तो 79 के जस्ट पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर है 64। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। तो हमें यहां पे दूसरी डिजिट मिल जाएगी 8। अब हमें चेक करना है कि 89 या 81 में से क्या करेक्ट आंसर है। तो सेम प्रोसेस, 8 को हम इसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 8 जा होता है 72। अब हमारा नंबर 72 से छोटा है या बड़ा? क्लियरली दिख रहा है 79 इज ग्रेटर देन 72, तो बड़ा वाला नंबर हमारा आंसर होगा। क्लियर है, 89 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 7921। अब जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो 5 डिजिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम स्टेप्स फॉलो करनी है, राइट साइड से पेयर बनाना चालू करेंगे, 2 की पेयर बनाई और बचे हुए नंबर्स की हम दूसरी पेयर बनाते हैं। तो यहां से हमें मिलेगी हमारे स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट, पहली डिजिट। तो 9 जो है वो या तो 3 देगा या तो 7 देगा। तो यहां पर हम 3 और 7 लिख लेंगे और दूसरी पेयर से हमें मिलता है हमारी दूसरी डिजिट। तो दूसरी डिजिट मिलने के लिए हम क्या करते हैं, 106 से जस्ट पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे। तो 106 के जस्ट पहले आता है 100 और 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो 10 जो है वो हमारी दूसरी डिजिट हो जाएगी। अब 103 और 107 में से कौन सा करेक्ट आंसर है कैसे चेक करते हैं? 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके सक्सेसर से, हमें मिल गया 110। अब हमारा जो नंबर है वो 110 से छोटा है तो छोटा वाला नंबर हमारा आंसर होगा। As simple as that। तो I hope अब आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस और करके देखते हैं, लेकिन क्वेश्चंस करने के पहले एक बार स्टेप्स रिवाइज कर लेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि कौन सी स्टेप्स हमें फॉलो करनी है किसी भी नंबर की स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो यहां पर मैं एक नंबर ले लेता हूं 5184। इसकी स्क्वायर रूट हमें कैलकुलेट करनी है by using these steps। हम steps follow भी करते जाएंगे और यहाँ पर लिखते भी जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बात करी थी कि number की हमें pair बनानी होती है from the right hand side। तो first step is make
pairs from right hand side. राइट हैंड साइड से हमें दो नंबर की पेयर बनानी है और बचे हुए नंबर हमारी दूसरी पेयर हो जाती है। तो पहली स्टेप तो बहुत क्लियर है। दूसरी स्टेप में हमने क्या करा था, इस नंबर को देखकर हमने यूनिट डिजिट लिखी थी। अब यूनिट डिजिट हमें एक नहीं मिलती, दो दो मिलती हैं, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे राइट पॉसिबल यूनिट डिजिट, ठीक है। अब ये पॉसिबल यूनिट डिजिट को भी थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। ध्यान देना, अगर मेरे नंबर के यूनिट डिजिट में वन आता है तो मेरी स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट में क्या आ सकता है। यहां से मैंने बताया था वन भी आ सकता है और नाइन भी आ सकता है, तो वन और नाइन आएगा, क्लियर है। और अगर मेरे नंबर की यूनिट डिजिट में फोर आता है तो मेरी स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट में टू भी आ सकता है और एट भी आ सकता है, ये भी क्लियर हो गया। और अगर मेरे नंबर की यूनिट डिजिट में सिक्स आएगा तो मेरे स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट में फोर या सिक्स आ सकता है, या फिर अगर मेरे नंबर की यूनिट डिजिट में नाइन आएगा तो मेरे स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट में थ्री आ सकता है या सेवन आ सकता है, क्लियर हो गया। अब बात आती है बचे हुए डिजिट्स आ गए तो बेटा अगर टू आ गया या थ्री आ गया या सेवन आ गया या एट आ गया तो ये नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट्स में नहीं आएंगे, ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे परफेक्ट स्क्वायर की अगर हम बात करें तो, ठीक है। और अगर फाइव या जीरो आ गया तो फाइव के केस में या जीरो के केस में यूनिट डिजिट आपको सेम मिल जाएगी, फाइव और जीरो, इतना क्लियर है। तो मेन क्वेश्चन जो आते हैं वो इस नंबर्स पे ही आते हैं, ये अगर आपको याद हो गया, याद भी करने की जरूरत नहीं, हमें पता है किस कॉन्सेप्ट से हमने इसको क्रैक किया है, क्लियर है। तो इसको देखकर हम हमारे किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट लिख सकते हैं। तो सेकंड स्टेप फॉलो करने के लिए ये पता होना जरूरी है। तो हमारा जो नंबर था यहां पर हमारी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, फोर हमें कब कब मिलता है, या तो टू के केस में या तो एट के केस में, तो हमारी जो यूनिट डिजिट है या टू हो जाएगी या फिर एट हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी पॉसिबल यूनिट डिजिट। अब हम देखेंगे थर्ड स्टेप में हमने क्या करा था। तो थर्ड स्टेप में हमने इस दूसरी वाली पेयर के जस्ट पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर देखा था। तो हमारी स्टेप हो जाएगी मतलब सेकंड पेयर के जस्ट पहले वाला प्रीवियस स्क्वायर निकाला। तो यहां पर है 51 के जस्ट पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर है 49, और जो परफेक्ट स्क्वायर है उसकी स्क्वायर रूट मतलब 7 वो हमारी दूसरी डिजिट होती है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी, ठीक है, तो इससे हमें हमारे स्क्वायर रूट की सेकंड डिजिट मिल जाती है। तो भैया 72 या 78 हमारा आंसर है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारा नंबर आया था 7 इसको हम सक्सेसर से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हमारा नंबर इस नंबर से छोटा है तो स्मॉलर नंबर इज द आंसर, और अगर ये नंबर बड़ा है इस नंबर से तो बिगर नंबर इज द आंसर। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, हमारी जो सेकेंड डिजिट थी उसको उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई करना, मतलब 7 का सक्सेसर होता है 8, तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करा हमें मिल गया 56। अब अगर हमारा सेकेंड पेयर, यहां मैं दो चीजें यूज कर रहा हूं, सेकेंड डिजिट और सेकेंड पेयर, ठीक है, सेकेंड पेयर इसको बोल रहे हैं और सेकेंड डिजिट इसको बोल रहे हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये स्टेप्स मैं सिर्फ इसलिए लिखवा देता हूं क्योंकि जब तक मैं समझा रहा हूं तब तक तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, चार दिन बाद जब ये नंबर लेके बैठोगे और इनका स्क्वायर रूट निकालने बैठोगे तो शायद भूल जाओ, इसलिए ये स्टेप्स लिखवा देता हूं कि दोबारा आपको वीडियो खोलने की जरूरत नहीं है, इन स्टेप्स को देख लोगे तो फिर से आपका ट्रिक जो है वो रिकॉल हो जाएगी। तो यहां पर हमने क्या देखा, सक्सेसर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें दो केस मिलेगी, या तो हमारी सेकेंड पेयर जो है
वो इस नंबर से छोटी होगी या बड़ी होगी। अगर हमारी सेकंड पेयर मतलब ये इस नंबर से छोटी है तो स्मॉलर डिजिट इज द आंसर, और अगर हमारी सेकंड पेयर इस नंबर से बड़ी है तो बड़ी डिजिट इज द आंसर। तो सेकंड पेयर अगर स्मॉलर है तो स्मॉलर डिजिट इज द आंसर, और अगर सेकंड पेयर बड़ी है तो बिगर नंबर इज द आंसर। ये हो गई हमारी स्टेप्स। तो यहां पर हमने क्या देखा, हमारा जो सेकंड पेयर है वो इससे छोटा है तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 72। एज सिंपल एज दैट। तो अब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब चार क्वेश्चंस और ले लेते हैं और ये स्टेप्स को पढ़ पढ़ के अप्लाई कर देंगे तो पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर हमारा पहला नंबर है 6889। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है हमारी, मेक पेयर फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो हमने 89 हमारी पहली पेयर लिख दी है। अब 9 हमें कहां मिलता है, 3 और 7 में। तो हमारी डिजिट या तो 3 होगी या तो 7 होगी, क्लियर। अब दूसरी पेयर है 68। तो हम देखेंगे 68 जो है वो किसके पहले आता है। तो 68 के जस्ट पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर है 64, मतलब कि हमारी दूसरी डिजिट हो जाएगी 8, क्लियर है। अब हमें देखना है कि 83 या 87 में से कौन सा हमारा आंसर है। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके सक्सेसर से, तो 8 × 9 होता है 72। अब चेक करेंगे हमारा ये नंबर 72 से छोटा है या बड़ा है। क्लियरली 68 जो है 72 से छोटा है, तो छोटा वाला नंबर हमारा आंसर होगा। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 9216। तो यहां पर हम सबसे पहले पेयर बनाएंगे 16। अब 6 हमें कब कब मिलता है, या तो 4 यहां देखने की जरूरत ही नहीं है, हमने यहां लिखा है 6 हमें 4 या 6 के केस में मिलता है। तो हमारी डिजिट या तो 4 होगी या तो 6 होगी, क्लियर है। अब जो दूसरी पेयर है 92, ये हम चेक करते हैं कि इससे जस्ट छोटा वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या है। तो इससे छोटा वाला परफेक्ट स्क्वायर है 81, मतलब कि हम लिखेंगे 9। तो हमारी दूसरी डिजिट हो गई 9। अब हमें चेक करना है कि 94 और 96 में से हमारा आंसर क्या होगा। तो सेम ये जो हमारी डिजिट थी 9, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सक्सेसर से, हमें मिल गया 90। अब हम चेक करेंगे हमारी सेकंड पेयर इससे बड़ी है या छोटी। 92 90 से बड़ा है, तो बड़ा वाला नंबर हमारा आंसर होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12544। तो यहां पर 4 जो है वो हमें या तो 2 या तो 8 के केस में मिलता है, तो हमारी डिजिट 2 या 8 होगी। अब दूसरी पेयर जो है वो है 125। तो 125 के जस्ट पहले वाला स्क्वायर अगर हम देखें, तो यहां पर हमने लिखा नहीं है लेकिन हमें 25 तक के स्क्वायर याद थे। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो इसके जस्ट पहले वाला स्क्वायर होता है 121, जो कि 11 का स्क्वायर होता है। तो हमें मिल जाएगा 11, हमने यहां पर 11 लिख दिया, ठीक है। अब हमें चेक करना है 112 और 118 में से कौन सा हमारा आंसर है। तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके सक्सेसर से, हमें मिलेगा 132। अब 132 से छोटा है 125, तो छोटा वाला नंबर ही हमारा आंसर होगा, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है 5329। इसमें हम फिर से वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, हमने राइट हैंड साइड से पेयर बनाई, 9 हमें मिलता है 3 और 7 के केस में, तो हमने लिख दिया 3 और 7। 53 के जस्ट पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर होता है 49 के लिए हम लिखते हैं 7, तो हमारी सेकंड डिजिट हो गई 7। अब 73 और 77 में से एक चूज करना है, तो हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके सक्सेसर से, हमें मिल गया 56। अब हमारा जो नंबर है वो 56 से छोटा है, तो छोटा वाला नंबर हमारा आंसर होगा। तो आई होप अब हर क्वेश्चन की स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं, वो भी इन फ्यू सेकंड्स। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ईमानदारी से वीडियो पॉज करके उसकी स्क्वायर रूट निकाल के बता देना। अगर उसकी स्क्वायर रूट निकाल ली तो आपका फंडा क्लियर हो चुका है, लेकिन अगर नहीं निकाली तो भैया कहीं ना कहीं तो ट्रिक में गड़बड़ी होगी। तो यहां पर मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं 1296, इसकी स्क्वायर रूट निकालिए वीडियो पॉज करके, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आइए इसकी स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं और आप लोग अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा।
सबसे पहली स्टेप में हम इसकी पेयर बनाते हैं 96. 6 हमें 4 और 6 के केस में मिलता है, तो या तो हमारी डिजिट 4 होगी या तो हमारी डिजिट 6 होगी. क्लियर. अब बात आ जाती है 12. तो 12 के जस्ट पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर देखा हमने 9. 9 के केस में हम लिखते हैं 3. तो यहां हमें मिल गई दूसरी डिजिट 3. अब 34 और 36 में से कोई एक चूज करना है, तो हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है 3 को उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई करना. तो हमने मल्टीप्लाई करा, हमें मिल गया 12. अब हम चेक करते थे कि हमारा जो सेकंड पेयर है वो इससे छोटी है या बड़ी है. लेकिन इस केस में तो भैया प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारी डिजिट और ये नंबर बराबर आ गया. अब क्या करेंगे? तो घबराने की कोई बात नहीं है, वैभव सर है ना. इस केस में जब आपकी सेकंड पेयर और ये नंबर बराबर आ जाएगा तो हमेशा आपको बड़ा वाला नंबर ही लेना है. तो इस केस में द बिगर नंबर विल बी योर स्क्वायर रूट. तो इसी के साथ हमारी ट्रिक खत्म होती है. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. शुरू में सब्सक्राइब नहीं करा था तो अब तो कर ही सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लिया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना. और अगर कोई डाउट आता है या कोई और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा.